चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम मैगी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। तो देखिए ये 3 पैकेट मैगी है, तो हम इसको अब बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। मैगी हम घी में बनाते हैं, तो देखिए इसमें आधी चम्मच घी डालते हैं। ये आधी चम्मच घी हो गया, इसे हम ज़्यादा घी नहीं डालना है। गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। देखिए 2 हरी मिर्च लिए काट के, इसको हल्का सा भून लेंगे और गैस कम करके टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। देखिए कम आंच में इसको पकाना है। थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। देखते हैं इसको कितना पका है। देखिए टमाटर गलने लग गए हैं एकदम से थोड़ा सा। हाँ देखिए आधा टमाटर गल गया है, और इसमें हम पानी डाल देंगे 3 पैकेट के हिसाब से, लगभग 2 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे। अब पानी को उबलने के लिए छोड़ेंगे। देखिए पानी उबल गया ढंग से, अब इसमें डालेंगे हम मैगी के पैकेट। मैगी का पैकेट जो होता है उसको साबुत ही डालना चाहिए, वो अपने हिसाब से पानी सोख लेता है, तोड़ना नहीं चाहिए। देखते हैं इसको, देखिए अपने आप खुल गया है ये जॉइंट इसका, देखो। दो से 3 मिनट पकाएंगे इसको। देखिए इसको बीच बीच में टोलते रहना है, नहीं तो एक जैसी नहीं पकेगी। जब ये अच्छी तरह फूल जाए मैगी, जब इसमें मैगी मसाला डालेंगे। पूरा नहीं देखना है, नहीं तो बन जाएगी। देखिए देखिए अपने आप छिल के पक के मस्त हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम जो मैगी के मसाला आता है ना पैकेट, वो डालेंगे। मसाला डालेंगे जब ये ढंग से फूल जाए। तो देखिए ये फूल चुकी है, ये देखिए। और मसाला इसे डालना है, एकदम नहीं डालना है, तोड़ते रहना है और इसे थोड़ा डालना है मसाला।
एकदम से सारा मसाला नहीं डालना इसमें, मिलाते रहो और मसाला डालते रहो। देखिए आँच कम कर देनी है और अब इसको घुमाते रहो। मसाला ढंग से मिला लो और गरम गरम सर्व करो। देखिए मैगी पककर तैयार हो गई है, हम लेते हैं मैगी का मजा। Thank you.